नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई ने एनआईए की अगुवाई में जांच एजेंसियों की उसके कार्यालयों, नेताओं के घरों और परिसरों में छापेमारी के विरोध में शुक्रवार को हड़ताल का आह्वान किया है। पीएफआई ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के हड़ताल की घोषणा की है। इस दौरान पीएफआई के केरल बंद का समर्थन कर रहे लोगों ने तिरुवनंतपुरम में एक ऑटो रिक्शा और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। पीएफआई के राज्य महासचिव अब्दुल सत्तार ने अपने बयान में राज्य मशीनरी के इस्तेमाल की निंदा की और कहा कि केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल असहमति की आवाज को बंद कराने के लिए किया जा रहा है। अब्दुल सत्तार ने कहा कि पीएफआई के नेताओं की गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने हालांकि इस प्रस्तावित हड़ताल को अनावश्यक बताया और राज्य सरकार से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह भी किया। दिल्ली और एनसीआर में लगातार बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां दिल्ली में जलभराव की स्थिति के बीच सड़क पर जाम देखने को मिला, तो वहीं फरीदाबाद और नोएडा जैसे शहरों में कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से शुक्रवार को भारी बारिश को लेकर आगाह किया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में ऑफिस जाने वालों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम में लगातार बारिश के कारण भीषण जलभराव के बीच दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम की स्थिति देखने को मिली है। ऐसे में पुलिस को ट्विटर पर लोगों से अनुरोध करना पड़ा कि वे घरों से बेहद जरूरी काम होने पर ही निकले। दूसरी तरफ यूपी में कई दिनों से लगातार जारी बारिश से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। एनसीआर और उत्तर प्रदेश के नोएडा, अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर, लखनऊ, बहराइच जैसे जिलों में भारी बारिश के लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। मदरसे में मोहन भागवत ने बच्चों से सीधा संवाद किया और उनकी शिक्षा के संबंध में जानकारियां भी ली। करीब 45 मिनट तक भागवत मदरसों में रहे। इससे पूर्व मोहन भागवत ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के साथ चर्चा भी की और उनका हाल जाना। भागवत पहले मध्य दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद में गए। इसके बाद वहां से उत्तरी दिल्ली के आजादपुर में मदरसा तजावीदुल कुरान में पहुंचे। वहां उन्होंने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की जानकारी ली। संघ पदाधिकारियों के अनुसार ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने मदरसे के बच्चों से बातचीत के दौरान भागवत को राष्ट्रपिता बताया। हालांकि भागवत ने उन्हें तत्काल टोका और कहा कि देश में एक ही राष्ट्रपिता है और बाकी सब भारत की संतानें हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।